हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नया प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृपया इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक कर दो और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को अभी सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है। गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा है रेखा गणित, बीज गणित, अंक गणित, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, अंक गणित। अंक गणित। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है। पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व है बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक महत्व या ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है। गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है। को आकर्षक व रुचिकर बनाना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान, मंदबुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक, छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नवीन भाषा शैली का ज्ञान। रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षण विधि है। रेखा गणित शिक्षण हेतु, रेखा गणित में सबसे लोकप्रिय शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या प्रयोगशाला विधि। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम शिक्षक के आत्मिक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। पाठ्यक्रम की इस परिभाषा को किस शिक्षाविद ने दी है? हर्बर्ट ने, कनिंगम ने, फ्रोबेल ने या वाल्टर सी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में निम्न में से कौन सा गुण विश्लेषण विधि का नहीं है। गणित में कौन सा गुण विश्लेषण विधि का नहीं है? विद्यार्थी में अन्वेषण करने की अक्षमता उत्पन्न होना, विद्यार्थी की बौद्धिक शक्तियों का विकास होना, चिंतन को प्रोत्साहित करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना पद्धति का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। परियोजना पद्धति का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है? छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर सोचने व कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना, सरकारी स्टोरों के प्रति उपेक्षा की भावना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरकारी स्टोरों के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है। गणित की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी, यह कथन किसका है? हिटलर का, नेपोलियन का, महात्मा गांधी का, अरविंद घोष का। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, कृपया लाइक करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। इसका आंसर है नेपोलियन। शिक्षण की मूल्यांकन प्रणाली का प्रमुख द्रोह है, शिक्षण की मूल्यांकन प्रणाली का प्रमुख द्रोह है मूल्यांकन, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव या ये सभी। इसका दोस्तों राइट आंसर आएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक कार्य का लाभ है। आत्मविश्वास में दृढ़ता आती है, छात्र अभ्यास और गणित का महत्व तो समझता है, ध्यान व एकाग्रता का विकास होता है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। गणित की वह विधि जिसका मुख्य सिद्धांत जीवन द्वारा सीखना या क्रिया द्वारा सीखना है, प्रयोजन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, निगमन विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति है। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति है। मंदबुद्धि के लिए निदात्मक प्रशिक्षण, मंदबुद्धि प्रशिक्षण, सृजनात्मक प्रशिक्षण या विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण। दोस्तों इसका राइट आंसर है निदानात्मक उपचारात्मक प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, इकाई विधि या क्रिया विधि। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों क्रिया विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण से छात्र में जो ज्ञान उपयोग से संबंधित व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। गणित की परिभाषाओं का प्रत्यासमण करता है, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है, समस्या के हल के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है, या छात्र
दोस्तों ये छात्र विचारने या सोचने के बाद निर्णय लेता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर ऑप्शनों को, क्योंकि ये बैक हो चुका था। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कि यह समस्या के हल के लिए उपयुक्त विधि व सूत्र का चयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रों पर प्रयोग शिक्षण कार्य में लाता है सूक्ष्मता, अखंडता, सथुलता, संजीवता। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का निम्न में से कौन सा महत्व तो नहीं है। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का निम्न में से कौन सा महत्व तो नहीं है। गणित विचारों की जानकारी देता है, अभ्यास हेतु, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, या शिक्षण सामग्री के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक गणित का उद्देश्य है, अंक गणित का क्या उद्देश्य है। छात्रों में आधारभूत गणनाओं को संक्षिप्त सरल रूप से करने में सक्षम करना, छात्रों में मात्रात्मक पक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणित चिंतन के प्रति अवबोध विकसित करना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता है, गणित के मानसिक जो सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है। प्लेटो, स्किनर, न्यूटन, सीवी रमन। दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्लेटो। तो दोस्तों इस तरह हमने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट की है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दो और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन को जरूर सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों विदा लेता हूँ आज के लिए, इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे अच्छी वीडियो में। और दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।